हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज का जो प्लान का साइज है 17 फीट बाई 30 फीट का ये प्लान है, और इसके बाहर में रोड है और ये ईस्ट फेसिंग का वन साइड ओपन प्लान है। इस प्लॉट का जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ है और ये 510 स्क्वायर फीट का ये प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के प्लान को। दोस्तों आज का प्लान बहुत ही खास है क्योंकि इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगा। तो इस प्लान को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे हाउस प्लान से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रोड है और ये आप जो देख रहे हैं ये हमारी बालकनी है, बालकनी पोर्शन है। ये हमारा बालकनी है, ये जो आप टोटल लाइन में देख रहे हैं तो 3 फीट 6 इंच यहाँ पे इसका चौड़ाई है और यहाँ पे 2.5 फीट चौड़ाई है। तो कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है ताकि ये देखने में खूबसूरत लगेगा, हमारे घर के बाहर जो है बहुत अच्छा लगेगा। तो इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक मिड लैंडिंग स्लैब मिल जाता है, इसके ठीक नीचे से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो मिड लैंडिंग स्लैब का जो हाइट होगा यहाँ पे 7 फीट का हाइट होगा। इसके ठीक नीचे हम हमारी जो डोर है, जो ये हमारे मुख्य जो जो दरवाज़ा है वो 4 फीट बाई 7 फीट का ये दरवाज़ा है, जिससे हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमको सीढ़ी मिल जाता है, और सीढ़ी के ठीक नीचे यहाँ पे एक बाइक पार्किंग भी डिजाइन कर रखा है, यहाँ पे हम अपनी बाइक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब आगे आते हैं तो यहाँ पे एक पैसेज मिल जाता है, ये जो सेकेंड फ्लाइट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इसके ठीक नीचे से हमको रास्ता मिल जाएगा हमको घर के अंदर जाने के लिए। 2 फीट 11 इंच लगभग यहाँ पे 3 फीट चौड़ा यहाँ पे रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे, जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे अपने हॉल में आ जाएंगे, और हॉल से ही हमारे जो सीढ़ी है ऊपर की तरफ जाता है। तो सीढ़ी का जो चौड़ाई है 2 फीट 8 इंच है, और इसमें जो ट्रेड है वो 9 इंच का है। ट्रेड मतलब जिस पर हम अपना पैर रखेंगे वो 9 इंच का है, और जिस जो इसमें राइजर डिज़ाइन किया है वो 7 इंच का है। तो यहाँ पे आएंगे तो हमको यहाँ पे 11 फीट, माफ़ करें, यहाँ पे 11 स्टेप या 12 स्टेप मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ठीक इसके नीचे हमारी ये जो डोर आएगी जाएगी, और यहाँ से मुड़ के हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमको मुड़ने के लिए यहाँ पे हमको काफ़ी जगह मिल जाता है, 4 फीट 6 इंच का यहाँ पे मिड लैंडिंग स्लैब मिल जाएगा, और यहाँ पे बालकनी आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको 2 स्लैब दिखेंगे, तो एक अच्छा व्यू आएगा हमारे घर के लिए। तो इसी के जस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे गेस्ट रूम डिज़ाइन किया है। गेस्ट रूम में जाने के लिए बाहर से एक दरवाज़ा है 3 फीट बाई 7 फीट का, और यहाँ पे 10 फीट बाई 9 फीट 6 इंच का यहाँ पे गेस्ट रूम डिज़ाइन किया है। इसमें सोफ़ा प्लेस कर रखा है, टेबल भी है, और भी बहुत सारे इसमें जगह है, तो इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से और भी चीज़ों को आप इसमें रख सकते हैं। इस वाली दीवार पे एक विंडो मिल जाता है 4 फीट बाई 4 फीट का, जिससे जो बाहर से जो रोशनी आएगी वो सीधे हमारे गेस्ट रूम के अंदर जाएगी। तो हम गेस्ट रूम से भी, इधर से भी हम अपने हॉल के अंदर जा सकते हैं, और मेन रास्ते से भी अपने हॉल के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 फीट बाई 7 फीट का एक और दरवाज़ा है, जिससे हम अपने गेस्ट रूम से भी इसमें अपने लॉबी के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 8.5 फीट इसका लंबाई मिल जाता है, और 7 फीट 8 इंच इसका इस डायरेक्शन में चौड़ाई मिल जाता है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस कर रखा है, जिसपे 5 से 6 लोग एक साथ बैठ कर लंच या डिनर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें आप इसको एज ए हॉल के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के जस्ट लेफ्ट साइड पे यहाँ पे किचन डिज़ाइन किया है। किचन का जो साइज़ है 7 फीट 8 इंच इसका लंबाई है, 6 फीट 7 इंच इसका चौड़ाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक दरवाज़ा है 2.5 फीट बाई 7 फीट का, जिससे हम अपने किचन के अंदर जाएंगे। इस वाली दीवार पे एक विंडो है खिड़की, जिससे जो इसमें जो धुआं होगा इस विंडो से बाहर की तरफ से हॉल से होकर हमारे बाहर की तरफ चला जाएगा। 3 फीट बाई 7 फीट, 3 फीट बाई 4 फीट का यहाँ पे एक खिड़की है, और इसका जो यहाँ पे अब किचन से हम अपने बाहर आ जाते हैं, तो अभी चलते हैं अपने बेडरूम के अंदर। ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है, क्योंकि हमारा एक गेस्ट रूम भी है, तो ये 2 BHK का प्लान है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई प्लॉट है जिसका आप नक्शा चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर और मेल आईडी मिल जाएगा। 3 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे दरवाज़ा है, जिससे हम अपने बेडरूम के अंदर जाएंगे। तो बेडरूम का जो साइज़ है 10 फीट बाई 10 फीट का यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है, जिसमें 6 फीट बाई 6 फीट का एक बेड प्लेस किया है। इसके बाद भी हमको काफ़ी इसमें जगह मिल जाता है। तो अभी आ जाते हैं अपने बेडरूम से बाहर, जैसा कि आपने बेडरूम देखा इसके बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम है, जिससे हम अपने यहाँ पे ये जो दरवाज़ा दिया है मास्टर बेड ये गेस्ट रूम का, गेस्ट रूम से, तो इधर से भी हम चाहें तो यहाँ से हम अपने टॉयलेट एंड बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इस दरवाजे को दिया है। तो यहाँ पे जो कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम का जो साइज़ है 6 फीट 6 इंच इसका लंबाई है, और 5 फीट 1 इंच इसका चौड़ाई है। 2.5 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पर दरवाज़ा है, जिससे हम अपने कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम में जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक साफ्ट भी डिज़ाइन किया है। साफ्ट डिज़ाइन करने के पर्पज़ ये है कि हमारे घर के अंदर प्रॉपर जो रोशनी है
वो रहे और जो इसमें फ्रेश एयर है वो भी हमारे रूम्स के अंदर सर्कुलेट होता रहे। तो यहाँ पे साफ क्या है कि हमारा छत जब जब स्लैब पड़ेगा, जब हमारी छत पड़ेगी, तो यहाँ पे इस वाली जगह को हम खाली रखेंगे, यहाँ पे कोई छत नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ पे कटआउट दिखा रखा है, यहाँ पे खाली रहेगा। यहाँ पे हम छत में, हम जब छत पड़ जाएगी तो उसके बाद लोहे की यहाँ पे हम जाली लगा देंगे, जिससे जो रोशनी है वो सीधे इसके अंदर आएगी और विंडो ओपन होने के बाद से हमारे मास्टर बेडरूम, ये हमारे बेडरूम के अंदर आएगी। और यहाँ पे एक वेंटिलेशन डिजाइन किया है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, तो इससे मैं जो भी बदबू होगा, जो भी स्मेल होगा, वो इस वेंटिलेशन की मदद से साफ से होकर बाहर की तरफ चला जाएगा। एक और दरवाज़ा है यहाँ पे 2.5 फीट बाई 7 फीट का, जिससे हम इसको इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब दरवाजे में खोलेंगे तो हम यहाँ पे अपना फ्री, यहाँ पे माफ़ करें, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ 5 फीट बाई 1 इंच बाई 3 फीट का यहाँ पे जगह है, जिसमें हम अपना वॉशिंग मशीन बहुत आसानी से रख सकते हैं। अब चाहे तो इस दरवाजे को अंदर की तरफ ओपन कर सकते हैं, मैंने बाहर की तरफ दिखा रखा है। तो अगर ये दरवाज़ा अंदर की तरफ, अगर इस तरफ ओपन होता है, तो हमको ये पूरी जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम अपना वॉशिंग मशीन रख के इसको एज ए वॉश एरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं वॉल साइज की और कॉलम पोजीशन की दोस्तों। तो इसमें जो दीवारें हैं वो 9 इंच की इसमें डिजाइन की गई हैं, क्योंकि बाहर में दूसरों की प्रॉपर्टी है, दूसरों की ज़मीन है, इसीलिए मैंने बाहर की तरफ कोई दरवाज़ा या कोई खिड़की नहीं दिखा रखा है, जैसे कि आपने देखा होगा। तो इसमें घर के बाहर की जो दीवारें हैं 9 इंच की हैं, और घर के अंदर की जो दीवारें हैं इसमें 5 इंच की डिज़ाइन कर रखे हैं, जिनको पार्टीशन वॉल बोलते हैं। और ये जो आप ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं, सारे हरे कलर में, ये सारे कॉलम्स हैं जिनको पिलर्स बोलते हैं। पिलर्स मतलब इनका जो साइज़ है 9 इंच बाई 9 इंच के ये कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाली दीवार पे 3 कॉलम है, और सेंटर वाली वॉल पे भी 3 कॉलम है, और हमारी इसके मिड वाली वॉल पे मैंने 3 कॉलम डिज़ाइन कर रखे हैं। इस प्लॉट में मैंने 12 कॉलम डिज़ाइन कर रखे हैं। ये कॉलम एक दूसरे के लाइन है, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो यहाँ पे हमारी बीम्स आ जाएगी, बीम का साइज़ होगा 9 इंच बाई 12 इंच। यहाँ से सीधे बीम आ जाएगी, यहाँ से सीधे ये भी बीम आ जाएगी, और यहाँ पे आके ये सारी बीम्स सब पे 9 इंच बाई 12 इंच की बीम आ जाएगी। ये हमारी फर्स्ट फ्लोर तक के लिए ये कॉलम्स और बीम्स के साइज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए कॉलम साइजेस और बीम साइजेस चेंज हो जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।